अरे यार, बीच में ट्रैक्टर वाले अंकल आ जाते। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? माय नेम इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई मेक वीडियोज़ ऑन फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, हाउ टू पोस्ट और इन जनरल फैशन रिलेटेड वीडियोज़। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने लेवल पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊँ, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है priyankachaudhary993। मैं वहाँ आप सबके साथ फैशन रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करती हूँ, रील्स शेयर करती हूँ, एंड अपने लाइफ अपडेट्स भी शेयर करती हूँ। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं रिसेंटली अभी मीशो चेकआउट कर रही थी, एंड वैसे ही स्क्रॉल करते करते मैंने कुछ बहुत ही अच्छे कोरियन टॉप्स देखे, एंड आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ। मैंने कुछ ऑर्डर किए, एंड जितने भी टॉप्स मैंने ऑर्डर किए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए। तो मैंने सोचा कि ना मैं आप सबके साथ वो सारे टॉप्स शेयर करती हूँ, बिकॉज़ इनकी क्वालिटी मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी कोरियन टॉप हॉल फ्रॉम मीशो, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शो ऑल ऑफ दीज टॉप टू यू गाइज, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, एंड दीज आर ग्रेट ऑप्शन टू बाय फ्रॉम मीशो। सो आई एम रियली एक्साइटेड। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जम्प स्ट्रेट टू द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉप। जो फर्स्ट टॉप मैंने पिक किया है वो है ये कैमिसोल काइंड ऑफ स्ट्रेपी टॉप। जस्ट लुक एट दिस टॉप, दिस इज़ रियली क्यूट। इस तरह के जो पीसेस थे आपको शीन पर मिलते थे। इवन मैंने इस टॉप को अमेज़ॉन पे भी देखा है, एंड उसमें मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने इसे वहाँ से पिक नहीं किया। बट जब मैंने इसको मीशो पे देखा तो मुझे पता था कि मुझे इसको ऑर्डर ही करना है। तो अब जल्दी से इसको ट्राई कर लेते हैं, एंड तब बात करते हैं कि ओवरऑल ये टॉप मुझे कैसा लगा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स पहनने के बाद, एंड ओ माई गॉड, दिस इज़ रियली क्यूट। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड इसकी जो मटेरियल है वो मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहनने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका जो मटेरियल है वो हल्का सा वीविंग काइंड ऑफ मटेरियल है, मतलब कि जैसे आपने स्वेटर्स देखे होंगे ना, हल्का सा उस तरह का मटेरियल है। बट ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये पहनने में बिल्कुल भी इची नहीं है, एंड ये एक कैमिसोल काइंड ऑफ टॉप है। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, बैक साइड में भी आपको इस तरह से स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, एंड इट फिट्स रियली नाइस। इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो एडजस्टेबल स्ट्रैप्स नहीं है, बट मैंने इसको स्मॉल साइज़ में ऑर्डर किया था, एंड इट फिट्स परफेक्टली। इसलिए आप भी इस टॉप के लिए अपना ट्रू साइज़ ऑर्डर करें, तभी जाके आपको एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा। एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक वाइट, येलो, पिंक, लाइट ब्लू, जो भी कलर आपको पसंद हो आप उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसमें आपको इस तरह से फ्लावर के पैचवर्क दिए हुए हैं फ्रंट वाले पोर्शन में, एंड इनकी जो क्वालिटी है वो भी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 500 रुपीज़, एंड दिस इज़ एक्चुअली वर्थ बाइंग। आप इस तरह के कैमी टॉप्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, एंड इसके लिए भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इट लुक रियली नाइस, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आप इसको समर्स में बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबली वेयर कर पाएंगे। एंड आप देख सकते हैं इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आप देख सकते हैं ये मेरे वेस्ट तक है, एंड इट लुक रियली नाइस। इसका जो फैब्रिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, इसलिए बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, एंड आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं एज अ बाइंग ऑप्शन। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम की तरफ। नेक्स्ट टॉप जो मैंने पिक किया है वो ग्रीनिश काइंड ऑफ शेड में है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट टॉप फ्रॉम दिस हॉल, एंड इट लुक रियली नाइस। तो जल्दी से इसको भी ट्राई कर लेते हैं, एंड इसको देखते हैं कि ये कैसा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स पहनने के बाद, एंड ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसका कलर बॉटल ग्रीन से हल्का सा सिमिलर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये कौन सा कलर है, बट इस तरह के जो ग्रीन शेड्स के कलर होते हैं वो इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आप भी इस ग्रीन को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के जो टॉप्स हैं, ड्रेसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। रूशिंग काइंड ऑफ टॉप, लाइक प्रिंसेसी वाइब देते हैं ये। एंड आप देख सकते हैं कि इसमें आपको इस तरह से स्क्वायर नेक लाइन दी हुई है, एंड इसमें आपको इस तरह से फ्लफी स्लीव्स दी हुई हैं। इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है वो सिंच्ड है, काफ़ी अच्छी रूशिंग दी हुई है, एंड ये यहाँ से बहुत ज़्यादा फिटेड है। एंड लोअर में आपको इस तरह से फ्रिल्स भी दी हुई हैं।
एंड इसकी जो स्लीव्स हैं सेम फ्रिल्स आपको इसकी स्लीव्स पर भी दी हुई है एंड ये पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने एक मिस्टेक की थी इसको ऑर्डर करने के टाइम कि मैंने इसको मीडियम साइज़ में मंगा लिया, इसलिए मुझे हल्का सा लूज़ है शोल्डर वाले एरिया से। इसलिए आप इस टॉप के लिए अपना ट्रू साइज़ ही पिक करें, तभी जाके आपको ये परफेक्टली फिट होगा। एंड इसका जो प्राइस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीपेस्ट टॉप है इस हॉल का, तो इसका प्राइस जस्ट 260 रुपीज़ है। एंड 260 रुपीज़ में दिस इज़ एक्चुअली वर्थ बाइंग। इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको पहन के, ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे मैंने कुछ वियर किया हुआ है, इट इज़ दैट मच कंफर्टेबल। तो आप इसको समर्स के लिए डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप भी कोई एक ऐसा टॉप ढूंढ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हो एंड येट स्टाइलिश एंड ट्रेंडी हो, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड ट्रेंडी है। ओवरऑल ये टॉप मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बट आप अपना साइज़ वही ऑर्डर करिए जो आपका ओरिजिनल साइज़ है, अदरवाइज ये आपके हल्का से लूज़ हो जाएगा, जैसे अभी ये मेरे शोल्डर से लूज़ है, इसलिए आप अपना ओरिजिनल साइज़ ही इस टॉप में ऑर्डर करें। एंड ओवरऑल तो ये टॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड इसकी फिटिंग फिनिशिंग सब कुछ बहुत सही है। जैसे ये टॉप फ्रंट से है बिल्कुल सेम ही ये बैक से भी है, मैं आपको बैक साइड भी दिखा देती हूँ एंड इट लुक रियली नाइस। अगर आप एक डिसेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं टॉप में तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के जो टॉप्स हैं ड्रेसेस हैं वो ट्रेंड में भी हैं एंड आप इस तरह में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगे, तो आप इस टॉप को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं एज अ बाइंग ऑप्शन। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉप की तरफ। नेक्स्ट टॉप जो मैंने पिक किया है वो है ये बेज कलर में एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉप फ्रॉम दिस हॉल एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शो दिस टॉप टू यू गाइज बिकॉज दिस इज़ रियली नाइस। जल्दी से हम इसको ट्राई कर लेते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल ये टॉप कैसा है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स पहनने के बाद एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस टॉप। दिस टॉप लुक रियली नाइस। आप देख सकते हैं इसका कलर बेजिश टोन में है विद अ हिंट ऑफ पिंक एंड अ मेटेलिक शाइन टू इट। इसकी वजह से इसका जो लुक है वह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। इसके कटआउट की वजह से मैंने इस टॉप को ऑर्डर किया था। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एंड यूनिक कटआउट दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं नेक पे इस तरह से कटआउट गिवन है, इसकी वजह से इसमें एक चोकर काइंड ऑफ इफेक्ट आ रहा है टॉप में एंड इसमें आपको इस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न दिया हुआ है जिसकी वजह से आपको वेस्ट वाले एरिया पर भी काफ़ी अच्छा कटआउट गिवन है एंड इसकी लुक की वजह से मैंने इसे पिक किया था। एंड दिस टॉप हैज़ समथिंग दैट मेड मी फील लाइक आई एम वन ऑफ दोज कोरियन मॉडल्स। जस्ट किडिंग, इट लुक रियली नाइस ऑन मी, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड इस टॉप को मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था एंड इट फिट्स परफेक्टली। जब भी आप इस टॉप को ऑर्डर करें तो अपना ट्रू साइज़ ऑर्डर करें एंड इसका जो फैब्रिक है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इट लुक क्वाइट एक्सपेंसिव एंड बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि इतने कम में आपने ले लिया है तो इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका फैब्रिक सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसको समर्स में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली वियर कर पाएंगे। एंड ये क्रॉप टॉप है, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ इतनी है, बट ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है एंड पहनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें भी आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस गिवन है जैसे ब्लैक, लाइट ब्लू, तो आप उन सारे कलर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 560 रुपीज़ एंड दिस इज़ एक्चुअली वर्थ बाइंग। ओवरऑल ये टॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड आप देख सकते हैं बैक साइड से ये इस तरह से लगता है एंड दिस इज़ रियली नाइस। पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल ये टॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप भी इस टॉप को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉप की तरफ। जो नेक्स्ट टॉप मैंने पिक किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, आपने इस तरह के टॉप्स काफ़ी जगह देखे होंगे एंड इसका कलर ब्लैक एंड वाइट में है। तो जल्दी से ये टॉप देख लेते हैं, तो जल्दी से मैं आपको इसको ट्राई करके दिखाती हूँ एंड देन डिसाइड करते हैं कि ये टॉप कैसा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स पहनने के बाद एंड आप देख सकते हैं ये एक वाइट शर्ट है बट विद लॉट्स ऑफ डिटेलिंग। आप देख सकते हैं इसको दो पोर्शन में बनाया हुआ है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें आपको इस तरह से कॉलर दी हुई है एंड देन इसका नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें आपको हल्का सा फ्लेयर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड इसकी जो स्लीव्स हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एंड यूनिक लगी। आप देख सकते हैं इसकी स्लीव्स में आपको इस तरह से फ्लफी पैटर्न दिया हुआ है दोनों के दोनों साइड में एंड इसकी स्लीव्स पर आपको बीच बीच में इस तरह से ये रूशिंग वाला इफेक्ट दिया हुआ है एंड देन हल्का सा फ्लफी पार्ट दिया हुआ है
एंड इसकी वजह से इसकी जो स्लीव्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं एंड इस शर्ट की लेंथ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप देख सकते हैं इस शर्ट की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है एंड इट लुक्स रियली नाइस। इस शर्ट का जो फैब्रिक है वो है कॉटन, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप इसको समर्स में ऑल डे लॉन्ग कंफर्टेबली वियर कर पाएंगे। एंड वाइट्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर आप किसी भी कलर का इनर इसके नीचे पहनेंगे तो वो विजिबल होता है, बट इस शर्ट के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो कॉटन फैब्रिक है वो इतना थिक है कि आपके जो इनर्स होंगे वो विजिबल नहीं होंगे एंड आप इसको कंफर्टेबली ऑल डे लॉन्ग वेयर कर पाएंगे। इसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस शर्ट के साथ आपको एक और क्लोथिंग आइटम अटैच्ड गिवन है एंड वो है ये ब्लैक कलर का वेस्ट। तो जल्दी से मैं इसको भी ट्राई कर लेती हूँ। तो ये शर्ट वेस्ट पहनने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है एंड इस तरह के जो आउटफिट्स हैं, वाइट शर्ट विद ब्लैक वेस्ट या वाइट शर्ट विद ब्लैक कॉर्सेट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ट्राई करती हूँ। इसलिए मैंने इसे पिक किया एंड इट केम आउट रियली नाइस एंड ये पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी जो वेस्ट की क्वालिटी है वो भी मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड इट फिट्स परफेक्टली। इसमें आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं, एंड इसको आप किसी और ड्रेस के साथ भी काफ़ी अच्छे से वेयर कर पाएंगे। एंड मैंने इस शर्ट को लार्ज साइज़ में ऑर्डर किया था, अपने साइज़ से दो साइज़ अप में परचेज़ किया था ताकि मैं शर्ट को डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स के साथ मिक्स एंड मैच करके वेयर कर पाऊँ। आप भी इस तरह से इस शर्ट को एक साइज़ अप में ले सकते हैं ताकि आप इसको विदाउट वेस्ट भी वेयर कर पाएँ एंड विद वेस्ट भी काफ़ी अच्छे से इस आउटफिट को क्रिएट कर पाएँ एंड इट लुक रियली नाइस। आप इसको अपने नॉर्मल साइज़ में परचेज़ करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फिटेड आपको आएगा। अगर आपको हल्का सा लूज एंड बेगी काइंड ऑफ इफेक्ट चाहिए तो आप इसको अपने नॉर्मल साइज़ से एक साइज़ आप में भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 500 रुपीज़ एंड दिस इज़ एक्चुअली वर्थ बाइंग। ये दोनों के दोनों पीसेज जस्ट 500 रुपीज़ में है, सो दिस इज़ अ रियली अफोर्डेबल एंड अ नाइस डील। तो आप भी इस टॉप को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।